तोशाखाना स्कैंडल में तहलका खेज मोड़। दुबई के घड़ी डीलर ने पीटीआई रहनुमाओं के बयानात को झूठ करार दे दिया, आईना दिखा दिया, कहा ना हमने घड़ी खरीदी ना किसी को बेची, पाकिस्तान की सियासी जमात ने प्रोपेगेंडे के लिए हमारा नाम गलत इस्तेमाल किया तो कानून अपना रास्ता लेगा, ग्राफ वॉच काबा एडिशन को हमसे मंसूब करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हमारा घड़ी या मालिक से कोई ताल्लुक नहीं। तोशाखाना स्कैंडल की तहकीकात होंगी, कीमती घड़ी बुनियादी किरदार होगी। नैब ने इमरान खान के खिलाफ छानबीन शुरू कर दी। फराह गोगी, शहजाद अकबर समेत तमाम किरदारों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। उमर फारूक का बयान भी कलमबंद होगा। घड़ी की मार्केट वैल्यू और खजाने में जमा कराई गई रकम का भी मवाजना होगा। उनका लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो, हमारी घड़ी तो हमें वक्त बताती है। इमरान खान की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई है। इमरान खान साहब को कोई गोली नहीं लगी, इमरान खान साहब को सिर्फ गम लगा हुआ, गम लगा हुआ, गम लगा हुआ। हमारी घड़ी वक्त बताती है, तोशाखाना की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई, इमरान खान को गोली नहीं गम लगा है। मरियम औरंगजेब का तंज, कहा इमरान खान अगर FIR नहीं कटवा सकते तो हुकूमत छोड़ दें, लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो चुका। आर्मी चीफ की अहम तकरीरी में किरदार अदा करें, वजीर खजाना ने सदर को वजीर आजम का पैगाम पहुंचा दिया। आरिफ अलवी ने किसी भी समरी में रुकावट न बनने का यकीन दिला दिया। इसहाक डार ने सियासी कशीदगी के खात्मे के लिए नवाज शरीफ का पैगाम भी पहुंचाया। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात, अहम उमूर पर मुशावरत। आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम ही करेंगे, मामला सियासी नहीं होना चाहिए, तमाम 3-स्टार जनरल्स बराबर और फौज की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का अहम बयान, बोले तैनाती का मामला सियासी होना इदारे को नुकसान पहुंचाएगा। नैब को मैं नहीं, कुछ ताकतवर इदारे कंट्रोल करते रहे। सदर आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, किसी से मुजाकरात नहीं हो रहे। इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू, बोले अब मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वजीर आजम बनूंगा। यू टर्न है उसको हम वेलकम करते हैं, जैसे खान साहब ने पहले भी कहा है कि कुछ यू टर्न अच्छे होते हैं तो ये यू टर्न भी अच्छा है। ना कल कोई अमरीकी साजिश था, ना आज कोई अमरीकी साजिश है, और बहुत ही अच्छी बात है कि खान साहब इस बात से भी मुकर चुका है। इमरान खान के नए यूटर्न को खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान अमरीकी साजिश के बयानिए से मुकर गए, हमारा फोकस पाकिस्तान का मफाद है, पाकिस्तान अमरीका समेत दुनिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। एहतजाज सबका हक, मगर शहरियों के हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को एहतजाज की इजाजत के लिए इंतजामिया के दफ्तर का रास्ता दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत, मोबाइल सर्विस बंद नहीं थी, अदालत का हुक्म इमरान खान तक पहुंच चुका था, वजारत दाखिला का जवाब। ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस, पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट और कई अहम तरीन इदारे, दारुलहुकूमत का रेड जोन क्या है और कितने रकबे पर फैला हुआ है, बुलेटिन में खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। पंद्रह दिन में तारीख का ऐलान करें, 60 रोज में बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया, तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा, सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई पत्थर वगैरह, ये जो रखते हैं मोटरवे वाले वो भी नहीं रखा हुआ है, बस एक बजरी का खोड़ था वो भी साइड पे, मैंने समझा ये खोड़ी है, जैसे मैं खोड़ से इस तरफ टर्न मारा है तो सीधा मैं खाई में जाके गिरा हूँ।
सहवन में अंधोनाक हादसा, क़यामत सुग़रा, 20 अफराद जान बहक, खैरपुर में तदफीन कर दी गई। हादसा कैसे हुआ? NHA की गफलत पर फिर सवाल उठा। हादसा मंचर झील में लगे कट के सबब पेश आया। इंतजामिया ने कीमती जाने जाने के बाद भी ना सड़क बंद की ना रुकावट लगाई, बल्कि सिर्फ साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। वजीर मवासलात ने तहकीकाती टीम बना दी। पंद्रह साल अजहर दो छोटे भाइयों को मोटरसाइकिल पर लेकर घर से स्कूल के लिए निकला, सरजानी टाउन में डंपर की जद में आ गया। बड़ा भाई जान से गया, छोटे जख्मी हो गए। 15 साल बेटे की लाश देखकर घर वाले गम से निठाल। हादसा किसकी गलती से हुआ तायुन न हुआ, मगर वालिदैन भी गलती ना करें, बच्चों को मोटरसाइकिल न दें। कराची के इलाके लांडी में दिलखराश वाकया, 7 साल बच्ची दो रोज पहले लापता हुई, लाश आज कचरा कुंडी से मिली। पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक, अहल खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज, मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर में बरकी नहर से 10वीं जमात की तालबा की लाश बरामद, लड़की 12 नवंबर को घर से स्कूल जाते हुए लापता हुई थी। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 कामयाबी से इख्तिताम को पहुंची, 30 से जायद MOUs पर दस्तखत। गैर मुल्की मंदूबीन ने दिफाई नुमाइश के इनेकाद को सराहा। 30 किलोमीटर दूर की गुफ्तगु सुनने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और पाकिस्तान मेड हैदर टैंक तवज्जो का मरकज बने रहे। ट्विटर ही ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। ट्विटर ने दफातर बंद किए मगर वजह ना बताई। एलॉन मस्क ने ट्विटर की कब्र बनी तस्वीर शेयर कर दी। ट्विटर के मालिक कहना क्या चाहते हैं? ट्विटर सार्फीन परेशान, मीम्स की भरमार कर दी। और रफ्तार और फुर्ती का मुकाबला, हल्के सहरा में जीप रैली, क्वालिफाइंग राउंड में जिग जैग ट्रैक पर ड्राइवर्स ने कमाल दिखाया। 115 रेसर शरीक हुए, राजा सईद अरसलान ने मैदान मार लिया।